राम ने कहा कि मैं तुम्हें कैसे ले जाऊं वन अपने साथ, तुम्हारे पिता ने जब तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया था तो उन्होंने ये सोच के तो नहीं दिया होगा ना कि मैं तुमको अपने साथ वन में घसीट के ले जाऊंगा और वन के कष्टों का सामना तुम्हें करना पड़ेगा। कौशल्या सबके सब्र का बांध टूट चुका था, सब विलाप कर रहे थे, लेकिन केकई के मन में तो निष्ठुरता निर्दयता पूर्ण रूप से समा चुकी थी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने बड़े प्रसन्न मन से आशीर्वाद दिया राम को तुरंत कि हाँ तुमको तुरंत चले जाना चाहिए, बिल्कुल देर मत करो, बिल्कुल विलंब मत करो। वैदिक यात्रा में आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है, राम राम। राम कौशल्या के महल से उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद मन बना करके, मन को कड़ा करके अपने महल जा रहे हैं जहाँ पे उनको अब सामना करना है अपनी प्रिय पत्नी सीता का। अभी तक तो उन्होंने किसी तरह से किसी प्रकार का भी कोई शोक या संताप व्यक्त नहीं करा है, एक विशेष दृढ़ता उनके चरित्र पे दिखाई दी है इस पूरे समय। लेकिन सीता का सामना करने से पहले राम के मन में तरह तरह के ख्याल आना शुरू हो गए। इन ख्यालों की, इन विचारों की वजह से राम का मन धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू हो गया। पता नहीं सीता इस समाचार को किस तरह से लेंगी, राम सीता का सामना कैसे कर सकेंगे, क्योंकि जब वो सीता को उस महल में छोड़ के गए थे केकई और दशरथ के बुलाने पर उनके महल में, सीता तो हर्षोल्लास से भरी हुई थी, आनंद उनके मन में समाता नहीं था। अब जाकर के राम को उनको ये सब बताना है कि सब उल्टा हो गया है, कैसे होगा ये सब सोचते विचारते राम पहुँचे अपने महल। शोक निश्चित रूप से उन पर हावी हो चुका था, महल के अंदर जाते समय उनके मन में इतनी पीड़ा हुई कि उनका सर शायद झुक गया था सीता को मिलने के पहले। सीता के कक्ष में गए वो, सीता बहुत खुश थी, बस कुछ ही समय पश्चात उनके पति का राज्याभिषेक होना था युवराज के पद पर। राम को उन्होंने जब देखा, राम की दशा जब सीता ने देखी, उनका मन एकदम से धक होकर के रह गया, चेहरा सफ़ेद पड़ गया। राम शायद कौशल्या से, लक्ष्मण से, दशरथ से, केकई से, सारे ज़माने से अपने हृदय के वास्तविक भावों को सफलतापूर्वक छुपा पाए थे, लेकिन अपनी प्रिय पत्नी सीता के सामने वो ऐसा ना कर सके। सीता ने उनसे उनके दुख का कारण पूछा, कुछ समझ नहीं पा रही थी सीता कि ऐसा क्या हो सकता है कि उनके पति को इस प्रकार का शोक या इस प्रकार की उनकी अवस्था हो जाए। राम ने किसी तरह से सीता से बात करना आरंभ करा और उनको सारी बातें समझाईं, किस प्रकार महाराजा दशरथ ने पूर्व में अपने दिए हुए वरदानों से बंधे हुए होने के कारण केकई को ये दो वचन दिए हैं जिसमें अब राज्याभिषेक राम का नहीं होगा, उनका नहीं होगा, बल्कि अब भरत का होगा। राम को अब जाना पड़ेगा 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए। सीता के लिए भी ये बहुत ही दुखद समाचार था, उनका भी हृदय एकदम से शोक में डूब गया, उनको अपने पति की व्यथा का कारण अब समझ में आया। वो राम से कुछ कह ना सकी, बस उनकी बातों को ध्यान लगा करके सुन रही थी। राम ने उनसे कहा कि अब एक तरह से उनका वनवास आरंभ हो ही गया है, कौशल्या माँ से वो आज्ञा ले आए हैं, लक्ष्मण को भी बता दिया है, अब वो सिर्फ सीता को बताने ही आए थे और वहाँ से वो सीधे वन को प्रस्थान कर जाएंगे। जाने के पहले राम ने सीता को ये कहा कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, मेरी अनुपस्थिति में तुमको पिताजी का, माता कौशल्या का, बल्कि सभी का बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, पिताजी की हालत बहुत ख़राब है। वही बातें जो उन्होंने अपनी माता कौशल्या से कही थी, लगभग उसी तरह की बातें उन्होंने सीता से कहना आरंभ करा। सीता एकदम अवाक रह गई राम की इस बात को सुनकर के, शायद वो इसके लिए तैयार ही नहीं थी। बड़ी अप्रत्याशित ये बात राम ने सीता से कह दी, अप्रत्याशित ये नहीं था कि राम का राज्याभिषेक नहीं हो रहा या उनको वनवास जाना पड़ रहा है। सीता के लिए ज़्यादा
बड़ी बात यह थी कि राम ने ऐसा सोचा भी तो कैसे सोचा कि सीता को वहाँ वो छोड़ करके अकेले वनवास को जाएंगे। सीता ने राम से कहा कि आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं, पत्नी का स्थान पति के साथ होता है, सुख में दुख में, महल हो या जंगल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। राम ने कहा ऐसा संभव नहीं है, पिताजी की आज्ञा के अनुसार उनके वचन से बंधा सिर्फ मैं हूँ और केकई ने सिर्फ और सिर्फ मुझे वनवास के लिए कहा है। तुम्हारा कोई दोष इसमें है भी नहीं और तुम्हारी इसमें किसी प्रकार की कोई संलिप्तता नहीं हो सकती है। तुम्हें वनवास नहीं दिया गया है तो तुम वन में नहीं जाओगे, तुमको यहीं रहना पड़ेगा। तरह तरह से राम ने उनको बताया कि वन में तरह तरह के कष्ट होंगे, अनेक प्रकार की विपदाएँ आएंगी, उन्हें खुद नहीं पता है कि वो कैसे अपना गुजारा करेंगे वहाँ पर, तो वो सीता को कैसे वहाँ आने को बोल सकते हैं। सीता एकदम अवाक थी, सीता मानो राम की बातें सीता के कानों में पड़ ही नहीं रही थी। सोच भी कैसे सकते हैं आप ऐसा, अकल्पनीय है ये, आपने सोच लिया तो सोच लिया लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। यदि आप जाएंगे तो जहां भी आप जाएंगे आपका अनुसरण करना मेरा धर्म है और मैं करूंगी वैसा। देखा जाए तो राम की बातों में यहां पे विरोधाभास नजर आता है थोड़ा सा, क्योंकि जब वो कौशल्या को अपनी माता को समझा रहे थे कि क्यों कौशल्या को वन में नहीं जाना चाहिए, तब उन्होंने कहा था कि पत्नी का धर्म होता है पति के साथ रहना। ये सब कह करके उन्होंने अपनी माता से कहा था कि अब आपको तो पिताजी के साथ ही रहना है उनकी देखभाल करने के लिए। यहां पर सीता को वो उसके विपरीत कुछ और समझा रहे थे कि पत्नी थी वो उनकी सीता, लेकिन उनसे कह रहे थे कि वो अपने पति के साथ नहीं जा सकती हैं, उनको वहां वापस अयोध्या में ही रहना पड़ेगा। विरोधाभास था थोड़ा सा, लेकिन यहां पर हमको ये देखना चाहिए कि राम के अंदर किसी प्रकार का कोई विरोधाभास कभी हो ही नहीं सकता। मर्यादा पुरुषोत्तम कौशल्या को जब वो समझा रहे थे, ये सब बातें कह रहे थे, उस समय वो कौशल्या के हित को ध्यान में रख करके बात कर रहे थे, वो सर्वोपरि था, धर्म तो था ही परंतु कौशल्या का, उनकी माँ का हित सर्वोपरि था। अब जब वो सीता को कुछ समझाने का प्रयास कर रहे थे तो यहाँ पर सीता का हित ही देख रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से या किसी भी वजह से उनकी प्रिय पत्नी को किसी भी तरह का, किसी भी प्रकार की पीड़ा हो, कष्ट हो। राम ने कहा कि मैं तुम्हें कैसे ले जाऊं वन अपने साथ, तुम्हारे पिता ने जब तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया था तो उन्होंने ये सोच के तो नहीं दिया होगा ना कि मैं तुमको अपने साथ वन में घसीट के ले जाऊंगा और वन के कष्टों का सामना तुम्हें करना पड़ेगा। उन्होंने तो यही सोचा होगा ना कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हारे सुख का ख्याल रखूंगा। सीता ने कहा आपने कैसे सोच लिया कि मेरे पिता ऐसा सोच सकते हैं, बड़े विद्वान हैं वो, धर्म के बड़े मर्मज्ञ हैं वो कभी ऐसा नहीं सोच सकते। अगर वो यहाँ पर होते तो वो भी मुझसे यही कहते कि तुमको तुम्हारे पति का अनुसरण करना चाहिए हर हाल में, मैं वो ही करूँगी। जिस प्रकार से आप एक संभाव रखते हैं हर परिस्थिति में, आपने सोचा भी कैसे कि मैं वैसा नहीं सोचूंगी या मेरे लिए परिस्थितियां बड़ी हो जाएंगी आपसे ज़्यादा, आप प्रयास भी मत करिएगा मुझे समझाने का कि मैं यहाँ पे रहूँ, मैं तो आपके साथ जाऊँगी। सीता ने उनको अपने बाल्यकाल का, जब वो अपने पिता के साथ रहती थी मिथिला नगरी में, कि एक बार महाराजा जनक से मिलने कोई एक बहुत ही प्रकांड हस्तरेखा विशेषज्ञ, एक ज्योतिषी आए थे और उन्होंने सीता की हाथों की रेखाएं देख करके कहा था कि शायद सीता के भविष्य में एक समय आएगा जब उनको वनवास करना पड़ेगा। सीता ने राम को बताया कि उनको तो पहले से ही पता था, आभास था इस बात का, एक समय में उनको कभी ना कभी वनवास करना ही पड़ेगा, तो उनके लिए ये कोई बहुत ही परेशानी की बात नहीं है। राम को शायद उन्होंने इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहा था कि सीता को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है वनवास में उनके साथ जाने से, लेकिन राम इस बात को किसी प्रकार से स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। जब सीता ने देखा कि उनकी किसी बात का राम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है और वो तो उन्होंने तो जिद ही ठान ली है सीता को पीछे अयोध्या में छोड़ के जाने की, तब उन्होंने आखिरी में कहा ठीक है, आप मेरे पति हैं, आप मेरे परमेश्वर हैं, आपसे मैं विनती ही कर सकती हूँ, कह ही सकती हूँ, उसके बाद भी यदि आप किसी प्रकार से मेरी बात नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे, तो मेरे पास कोई उपाय भी नहीं है, आपके साथ ज़बरदस्ती जिद करके तो मैं नहीं चल सकती हूँ, लेकिन आपको मैं इस बात का विश्वास दिला देती हूँ, यदि आप मुझे यहाँ पीछे छोड़ के गए, अपने साथ नहीं ले गए,
तो मैं जीवित नहीं बचूंगी, अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। इसको ऐसे ना समझा जाए कि सीता उनको धमकी दे रही थी या इस प्रकार की कोई कटु वचन बोल रही थी। वो सिर्फ शायद अपने मन की बात बोल रही थी। उनको पता था उनके बारे में कि राम के बिना वो जीवित नहीं रह सकती, इसलिए उन्होंने इस प्रकार की बात कही। अब राम के पास कोई इस बात का कोई जवाब उत्तर नहीं था। अंत में राम को सीता की इस बात के आगे झुकना ही पड़ा, उनकी बात माननी पड़ी। उन्होंने कहा ठीक है, मेरे लिए कोई इसमें अप्रसन्नता की बात नहीं थी, मेरे लिए कोई ये दुख का विषय नहीं था कि तुम मेरे साथ जा रही हो, मेरे को सिर्फ इस बात की तकलीफ थी कि तुमको पीड़ा होगी मेरे साथ और वो मैं नहीं देना चाहता था, वरना मेरे लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि तुम मेरे साथ ही रहोगी। तो ठीक है, चलो हम लोग साथ में रहेंगे, किसी भी तरह से ये 14 वर्ष की अवधि हम लोग जब साथ में रहेंगे तो पूरी कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जलने के पहले धर्म ये कहता है, शास्त्र ये कहते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है, जो भी हमारी व्यक्तिगत चीज़ें हैं, उन सबका हमें दान कर देना चाहिए। ब्राह्मणों में, निर्धनों में, प्रजाजनों में अपनी सारी चीज़ों का दान कर देते हैं और तुरंत ही यहाँ से वन के लिए प्रस्थान करते हैं। सीता ने अपने पति की आज्ञा का पालन करा। क्या विशाल चरित्र है यहाँ पे राम का भी और सीता का भी। किसी तरह की कोई शिकन सीता के मन में नहीं आई, बस वो अपने पति के साथ रहना चाहती थी। उनको लेश मात्र भी फर्क नहीं पड़ा कि महलों के सुख को त्याग करके उनको अब अपने पति के साथ वन वन भटकना पड़ेगा, वन के कष्टों को सहना पड़ेगा। ना सिर्फ उतना, जो भी उनकी व्यक्तिगत वस्तुएं हैं, गहने, आभूषण, वस्त्र, जो भी, उन सब का उनको त्याग करना पड़ेगा। खुशी खुशी सहर्ष उन्होंने स्वीकार करा इस बात को। जिस समय राम की सीता से ये बात हो रही थी, उस समय लक्ष्मण भी वहाँ पर उपस्थित थे। इन दोनों की बातें सुनकर के लक्ष्मण की आंखों में आंसू आ गए। अब जब उन्होंने राम का और सीता का ये संवाद सुना, तो अब तो उनके मन में और भयंकर पीड़ा होने लगी। हाथ जोड़ करके वो प्रभु राम के सामने खड़े हो गए, अपने बड़े भाई के सामने, और उन्होंने कहा कि प्रभु, अब आपने जब मन बना ही लिया है और भाभी जो मेरी माता समान हैं वो भी अब आपके साथ ही जा रही हैं, तो अब आप ये निश्चित समझ लीजिए कि मैं भी अब आपके साथ ही चलूँगा। आप दोनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब मेरी है। वन में भांति भांति के भयंकर भयानक जानवर होते हैं, जीव होते हैं, जंतु होते हैं, उन सबसे भी अब आपको सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ और मैं भी अब आप दोनों के साथ ही चलूँगा। राम ने लक्ष्मण को ये समझाने का प्रयास करा कि यदि अब तुम भी हमारे साथ चलोगे तो माता सुमित्रा का या माता कौशल्या का या पिताजी, इनकी देखभाल कौन करेगा। लक्ष्मण भी बड़े चतुर थे, बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा, आप ही ने तो कहा था कि भरत बहुत अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी हैं, गलत कुछ नहीं कर सकते वो। राम के पास इस बात का कोई उत्तर नहीं था और वो पहले भी देख चुके थे कि जिद करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। लक्ष्मण का दृढ़ निश्चय देख करके उन्होंने उनसे ज़्यादा बहस नहीं करी शायद, क्योंकि सीता से एक बार बहस करके वो देख ही चुके थे कि उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम लोग सब बन जाने की तैयारी करते हैं। तीनों ने मिल करके अपनी अपनी जो भी व्यक्तिगत वस्तुएं थीं इकट्ठा करी, समाज में, साधु संतों में, सब लोगों में, भिक्षुकों में दान कर दी। इसके पश्चात तीनों ने अपने अपने रेशमी वस्त्र, राजसी वस्त्रों का त्याग किया। उनके स्थान पर ऋषियों वाले वस्त्र, वलकल, ये सब धारण करे। पिता दशरथ से, माता कौशल्या से, माता सुमित्रा से, कैकेयी माँ से भी, अपने गुरुजनों से, वशिष्ठ मुनि, वामदेव, इन सब से अंतिम आज्ञा लेने उनके पास ये तीनों गए। अब तक समस्त नगरवासियों को ये समाचार प्राप्त हो चुका था और सारा नगर शोक में डूब चुका था। एक अजीब सा सन्नाटा पूरे नगर में छा गया था। कुछ समय पहले तक जो नगर हर्ष में डूबा हुआ था, आनंद उत्सव मना रहा था, अब वो नगर, समस्त नगरवासी एक अकथनीय
शोक में डूब चुके थे। वो सब भी राजमहल के बाहर आकर के खड़े हो गए, व्याकुल थे। राम, सीता, लक्ष्मण महाराजा दशरथ से आशीर्वाद लेने, उनकी आज्ञा लेने पहुंचे। महाराजा दशरथ की दशा बहुत बहुत ही दयनीय हो चुकी थी। फिर उन्होंने कैकेयी से अनुरोध करा, विनती करी, विनय की, अनुनय विनय जितनी कर सकते थे कि भाई मत करो ऐसा, क्या मिलेगा तुमको, कुछ नहीं मिलेगा तुमको। कौशल्या सब सबके सब्र का बांध टूट चुका था, सब विलाप कर रहे थे, लेकिन कैकेयी के मन में तो निष्ठुरता, निर्दयता पूर्ण रूप से समा चुकी थी। उसको कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने बड़े प्रसन्न मन से आशीर्वाद दिया राम को तुरंत कि हाँ तुमको तुरंत चले जाना चाहिए, बिल्कुल देर मत करो, बिल्कुल विलंब मत करो। भरे नेत्रों से महाराजा दशरथ ने सुमंत्र को बुलाया और उनसे कहा कि एक रथ को तैयार करो, उसमें नाना प्रकार की वस्तुएं, आभूषण, जो कुछ भी जरूरत का सामान हो सकता है, जो राम को या सीता को या लक्ष्मण को आवश्यकता पड़ सकती है आने वाले समय में, उस सब को रथ में ठीक से सजा करके रखो और इनको ले करके जाओ। राम को या लक्ष्मण को या सीता को किसी प्रकार की किसी वस्तु की कमी कभी नहीं होनी चाहिए। राम ने हाथ जोड़ करके बड़ी विनम्रता के साथ कहा कि नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कैकेयी माँ का जो निर्देश था वो बड़ा स्पष्ट था। उनको तो सिर्फ साधु और सन्यासियों जैसा जीवन व्यतीत करना था। जंगल में जो उपलब्ध होते हैं कंद मूल फल या जो कुछ भी, बस उसी पे अपना निर्वाहन करना था। तो वो कुछ महल से या अयोध्या से या नगर से कुछ भी स्वीकार नहीं सकते, प्रतिबद्ध हैं वो। और इधर जो प्रजावासी थे, नगरवासी थे, उन लोगों ने तो मन बना लिया था, वो तो किसी हालत में मानने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने कहा कि अगर राम जा रहे हैं तो हमारे लिए भी यहाँ पे कुछ बचा नहीं है, हम सब भी आपके साथ चलेंगे। कौशल्या माँ को तो राम ने व्यक्तिगत रूप से समझा दिया था तो वो मान गई थी। लक्ष्मण और सीता से भी व्यक्तिगत रूप से बात कर सकते थे तो वो माने या नहीं माने वो अलग बात है, परंतु अब इतने सारे नगरवासी, इनको वो कैसे समझाते। राम, लक्ष्मण और सीता सुमंत्र जी के रथ पर सवार हुए और ये लोग नगर की सीमा से बाहर जाना शुरू हो गए। इनके रथ के साथ साथ समस्त नगरवासी भी पीछे पीछे, जिस तरह भी, जिससे जो साधन बन पड़ा उस साधन को लेकर के, वो भी वहां उनके साथ साथ उनके पीछे पीछे जाने लगे। महाराजा दशरथ भी पैदल दौड़ पड़े इनके रथ के पीछे, एक टक निहारते रहे उस दिशा की ओर जिस दिशा में राम का रथ जा रहा था। और जब ये रथ उनकी दृष्टि से दूर हो गया, ओझल हो गया, वहीं पर धूल में, मिट्टी में, जमीन पर, सड़क पर गिर पड़े। वशिष्ठ मुनि ने, गुरुजनों ने, उनके सहयोगियों ने, कौशल्या ने उनको उठाया, किसी प्रकार से वापस लेकर के आए। कैकेयी अपने अहंकार में भरी हुई वहीं पर खड़ी हुई थी, तिरस्कार भरी दृष्टि से सबको देख रही थी, मानो उसको समझ ही नहीं आ रहा हो कि ये लोग इतने व्याकुल क्यों हो रखे हैं। बहुत छोटी सी बात थी उसके लिए तो ये सब। वशिष्ठ जी ने भी बड़े क्रोध भरे वचन बोले कैकेयी को, वामदेव जी ने भी। महाराजा दशरथ ने कैकेयी से क्रोध में भर करके कहा, तुमने मेरा सर्वस्व छीन लिया है, जिस अग्नि को साक्षी मान करके मैंने तुम्हें अपनाया था, आज मैं तुम्हें हर वस्तु को, हर व्यक्ति को, हर देव को साक्षी मान करके तुम्हें त्यागता हूं। और ये कहकर के महाराजा दशरथ ने कैकेयी का परित्याग कर दिया। जो मेरे राम का नहीं वो मेरे काम का नहीं, शायद यही सोचा होगा उन्होंने। महाराजा दशरथ कौशल्या का सहारा लेकर के, अपने सहयोगियों का सहारा लेकर के कौशल्या के महल आ गए। इसके बाद क्या होता है हम चर्चा करेंगे अगले प्रसंग में। तब तक हमारे साथ बने रहें। आप सबका बहुत बहुत अभिवादन। राम राम।